गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग अभी निकल रहे हैं बाहुबली हिल्स और उस साइड है सज्जनगढ़ फोर्ट। कल उदयपुर में कुछ मतलब दंगा हुआ था, सर शायद कुछ कल हुआ है इशू, इसके वजह से इंटरनेट भी बंद है सारा। बट ऑटो वगैरह चल रहा है, दुकान दुकान वुकान सारा कुछ खुला है शायद, देखते हैं। चलो, सोच रहे थे सुबह की कहीं भी जा नहीं पाएंगे, ट्रिप बर्बाद हो गया। अभी निकल रहे हैं, सुबह निकल के गए थे, ऑटो वाला भाई मिले थे, वो बोले कि नहीं ऑटो वगैरह चल रहा है बट इंटरनेट बंद है। तो उनके साथ शायद अभी जाएंगे हम लोग सज्जनगढ़ फोर्ट एंड बाहुबली हिल्स और कुछ बायोलॉजिकल पार्क आसपास है, कुछ उस साइड घूम के आएंगे। तो ये सेकेंड डे है हमारा उदयपुर में। तो अगर फर्स्ट डे में इतना आसपास जो भी था लोकेलिटी में, इधर आसपास जो भी था 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेंज के अंदर वो सारा घूम लिए हुआ, बाकी कुछ इशू नहीं होने वाला था। हम लोग मतलब आराम से जैसे आए थे घूम घाम के, जैसे प्लान था पूरा ट्रिप प्लान जैसे किए थे वैसे ख़त्म करके जाने वाले थे। बट कल कुछ इशू हुआ है, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इंटरनेट भी बंद है और कल भी शाम को भी सही से घूम नहीं पाए इस चीज़ की वजह से। चलो देखते हैं, ट्रिप तो ख़राब नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा तो अफेक्ट हुआ है, जैसे प्लान किए थे उस अकॉर्डिंग हो नहीं पाया। ठीक है, फिर भी देखते हैं। चलो मिलते हैं फिर सज्जनगढ़ फोर्ट में, नहीं तो फास्ट अगर जाएंगे बाहुबली हिल्स तो उधर मिलते हैं फिर। ठीक है, चलो बाय। तो ये है होटल शुभम, हम लोग यहाँ पे रुके थे। ये आगे आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएगा अगर कुछ खाने के लिए, या सुबह ब्रेकफास्ट करोगे, लंच डिनर सारा कुछ के लिए। ये जो कियोस्क काफ़े है वही एनजीओ रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट है। साइड में एटीएम है और रेलवे स्टेशन से भी पास है, स्टेशन से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर के अंदर शायद आएगा, शायद पड़ रहा है ये। तो लोकेशन तो बेस्ट है और बजट के हिसाब से भी काफ़ी सही है। ये हम लोग आगे अभी वाक्स म्यूजियम, पता नहीं खुला है बंद है, 3 बजे खुलेगा। 300 300 भाव और चौथी एक्टिविटी में जाना है। ये है इन्फिनिटी गैलरी का आज का शीर्ष, जहाँ कोई भी फोटो लेते हैं 10 दिशाओं में आप ही आप नजर आएंगे। जिनको हम इंडिविजुअल लेते हैं 180 130 140 दो कंबाइंड दो सेपरेट 450 होता है, बट कॉम्बो पर पर्सन 300 का रहता है, जिसमें फिफ्थ एक्टिविटी इंक्लूड नहीं रहती। ये है 90 एक्शन मूवी, 2D 3D 7D आपने देखा होगा, नाइट डायमेंशन में चेयर चलना, बारिश आना, बबल्स आना, धुआं आना, हवा आना, इस तरीके से नाइट डायमेंशन रहता है। इसका 200 पर पर्सन अलग से रहता है, पूरा देखते 500 ईच मेंबर मूवी नहीं देखते हैं, 300 ईच मेंबर। ये 5 to 10 मिनट का फिक्स शो रहता है, इसमें टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना यूज करते हैं। अच्छा, ये 300 पर पर्सन? जी ठीक है। और अभी 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, हाँ ये मूवी आपके इसमें इंक्लूड हो जाएगी, 300 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। 500 ये लास्ट में बचा था। अच्छा मिरर 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 भूल भुले गया, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना रहता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब ये है दरवाजा, देखिए खुला है। एग्जिट आगे से फाइंड करना, एग्जिट एग्जिट आगे से फाइंड करना, ये एंट्री है। अरे एक कौन 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 काज कौन तोड़ा, काज कौन तोड़ा, काज कौन तोड़ा।
आगे पीते हैं ना खाते हैं, ठीक है। पानी की बोतल नहीं है, पानी की बोतल तो देखिए क्या मिली है, ठीक है। थोड़ा पानी उड़ेल कैसे दिए हम तो 50 रुपए कौन बोला भाई, तुम ही सोच रहे हो, तुम ही बोल रहे हो, यही बोली मेरे कोई बोले ही नहीं। अरे क्यों भैया पानी की बोतल नहीं। यही है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। ये सज्जनगढ़ फोर्ट है, हाँ इसको सज्जनगढ़ मानसून पैलेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी लेके आपको छोड़ेगा, ठीक है। यहाँ से व्यू भी मस्त है। Yeah.
दोस्तों, उदयपुर का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जर्नी इतनी ही पसंद आई होगी जितनी हमें आई है। उदयपुर की खूबसूरती और यहाँ की शांति को हम कभी भुला नहीं सकते, लेकिन ये सफ़र यहीं नहीं रुकता। अगली वीडियो में हम जयपुर का एक दिन का ज़बरदस्त सफ़र करने वाले हैं, जहाँ आपको मिलेंगे शहर के हिस्टोरिक फोर्ट्स, वाइब्रेंट बाजार्स और उनके साथ जयपुर का खास अंदाज। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि जयपुर की ये एक्साइटिंग जर्नी का एक भी पल आप मिस ना करें। तब तक के लिए सेफ ट्रैवल्स और मिलते हैं जयपुर।